Jolly LLB 2 that is themed on an amateur lawyer who is in search of a big case to gain popularity in the field of criminal law. Today the film is out in theaters for the audience. Now let's see what audience has to say about Akshay Kumar's performance in this satirical black comedy. उन्हें बोले कि काम कम है, पूरा मूवी अक्षय कुमार के ऊपर ज़्यादा बेस है, but it was a nice movie and the story was also inspired by true events, so it was like really nice, worth watching. Compare करें part one से तो कौन सी ज़्यादा अच्छी? I haven't seen part one. बहुत अच्छी मूवी है. अक्षय कुमार का acting like mind blowing, always like. और chemistry और उमा गुरेश्वर उसके बाद best best very good. First part आपने देखी है? फर्स्ट पार्ट, हाँ ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट देखा, तभी तो सेकंड. अक्षय कुमार का एक्टिंग इज लाइक 5 स्टार ओनली ना. फर्स्ट पार्ट वाज आल्सो गुड बट दिस वाज आल्सो अमेजिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड. मतलब उनका जो अनु कपूर के साथ सीन है उनके, इट वाज अमेजिंग. उन दोनों की जुगलबंदी है ना, बहुत अच्छी है. हाँ हाँ बिल्कुल. मतलब वो फर्स्ट टाइम आई थिंक ही इज प्लेइंग दिस लॉयर का रोल, ही वॉज अमेजिंग. मतलब वो पूरा जस्टिस करते हैं उस रोल को. सौरभ शुक्ला को आप देखेंगे इस मूवी में एज अ जज, वो फर्स्ट पार्ट में भी थे. क्या एक्टिंग है यार, क्या मस्त परफॉर्मेंस है, मजा आ गया. सेकेंड आफ्टर इंटरवल तो पता ही नहीं लगे आपको कैसे मूवी गई. फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बीच में स्लो है बट सेकेंड पार्ट बहुत कमाल, बहुत अच्छी. अनु कपूर और जो अक्षय के डायलॉग्स थे, काउंटर डायलॉग्स जो चल रहे थे, बहुत अच्छे. बहुत लगता नहीं है कि एनएसडी का एक्टर है और एक बिल्कुल ही अनट्रेंड एक्टर है अक्षय, लेकिन पूरा कांटे का मुकाबला था. जोड़ी की बात करें उमा गुरेश्वर और अक्षय कुमार, फर्स्ट टाइम है तो केमिस्ट्री कैसी थी? ठीक ठीक थी, क्योंकि ज़्यादा रोल है नहीं उमा का, वाइफ का रोल किया है, 5-7 सीन है, बहुत अच्छे हैं. और अक्षय कुमार अनु जी की जो कोर्ट सीन्स है, बहुत कमाल के सीन्स है. इंटरवल के बाद तो खासकर बहुत कमाल के सीन्स है. डायलॉग्स बहुत खूबसूरत हैं. अनु कपूर को जितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, काउंटर डायलॉग्स अक्षय को वैसे ही देने थे तो दिए गए. जोली एलएलबी मूवी अच्छी है, अक्षय कुमार का रोल बहुत बढ़िया है, अक्षय कुमार ने कॉमेडी बहुत अच्छी की है और पिक्चर भी अच्छी लगी है. और आपको इसमें न्यायपालिका के पर व्यंग किया गया है और स्टेट वर्सेस जो इन लोगों ने एडवर्टाइज दिया कि स्टेट वर्सेस जोली एलएलबी को सच्चाई को उजागर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वकील को, ये बताया है. एक नाकाम आदमी भी कितना कामयाब हो सकता है अगर वो लगन के साथ काम करे तो, ये बताया है. बाकी तो इंटरटेनमेंट खूब है. हुमा कुरैशी का कोई ज़्यादा रोल है नहीं, हीरोइन प्रधान पिक्चर है नहीं, हीरो प्रधान पिक्चर है और अच्छा बताया गया इसमें. अनु कपूर और अक्षय कुमार के बीच सीन दिखाया गया है, उसमें कितने खरे उतरे अक्षय कुमार? अक्षय कुमार बहुत खरे उतरे हैं, लेकिन अनु कपूर को भी हेड्स ऑफ है कि झूठ बात को भी कितनी अच्छी तरह से सच्चाई में प्रदर्शित करके वाह वाही लूट लेते हैं. उनकी भी एक्टिंग लाजवाब है. मूवी वाज फाइन, ठीक है, ओके है. केमिस्ट्री, हाँ फर्स्ट टाइम आई है ऑफ कोर्स, बट आई थिंक सुभाष कपूर जी ने टाइम ही नहीं दिया उन्हें केमिस्ट्री दिखाने का, उन्होंने ज्योग्राफी कुछ और दिखा दी वहाँ पे हाईकोर्ट की एंड ऑफ. एंड लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छी है, लेकिन हुमा कुरैशी जी और अक्षय जी की जो जोड़ी है वो इतनी खास नहीं है क्योंकि वो टाइम नहीं दिया गया. सब्जेक्ट ड्रामा था, आई थिंक जॉनर रोमांटिक नहीं था, तो अच्छा हुआ वो चीज़ नहीं देखने को मिली. लेकिन हाँ, इट्स ओके, जस्ट फाइन. अनु कपूर अक्षय कुमार की जो कोर्ट रूम सीन्स है जी, वो कितने खरे उतरे अक्षय कुमार सीन? अक्षय कुमार जी ने अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन दिया. अनु कपूर जी के भी डायलॉग डिलीवरी काफ़ी अच्छे से, कुछ नए डायलॉग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, लाइक मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो हम मूवी देख करके ही पता लगा सकते हैं, लेकिन अनु कपूर जी की एक्टिंग बहुत सुपर्ब थी. एंड जिस तरह से उन्होंने अग्रेसिव लॉयर का एक कैरेक्टर निभाया है, आई थिंक ही डोमिनेटेड. अक्षय कुमार जो संदेश देना चाहते हैं मूवी के थ्रू, क्या पब्लिक को कनेक्ट कर पाएंगे? जी बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे इस संदेश को, क्योंकि हम जो इनजस्टिस है जो कहीं भी मौजूद होता है ना, वो जो जस्टिस हमारे देश में चाहे जहाँ पे भी हो उसको प्रॉब्लम देता है, मार्टिन लूथर किंग. सो इसलिए हमें उस चीज़ को हटा देना चाहिए इस देश से, करप्शन और इनजस्टिस को, और जो बातें दिखाई गई है मूवी में वो काफ़ी अच्छी हैं. मैसेज है, हाँ इट वॉज ओके परफॉर्मेंस एज यूजुअल, थिंग्स व्हिच ही डू ही हैज डन इन दिस, द कॉमेडी वॉज ओके. इट वॉज गुड. Impressive. Akshay's performance in the court drama has won hearts of the people and they loved the second installment of courtroom drama. Now let's see how many stars they give to the film. 4.5. 5 out of 3.5. 5 and 5. करूँगा 4. 3.5. Or 4.5. Actor Anu Kapoor plays rival lawyer and the principal antagonist in the film. The film also stars Huma Qureshi as Akshay's wife in the film. Honest Report.